जिन लोगों का चैनल आर्ट डिज़ाइनिंग का है या फिर कोई वो पेंटिंग से रिलेवेंट काम करते हैं, तो आज मैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अर्न विद फादरी यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद करता हूँ। और फ्रेंड्स, जिनका चैनल पेंटिंग से रिलेवेंट है या फिर वो चैनल आर्ट के हवाले से काम करते हैं या वो ऑनलाइन सामने फेस कैम कर रहे हैं या विदाउट फेस कैम कर रहे होते हैं, डजंट मैटर, लेकिन जिनका चैनल पेंटिंग और आर्ट्स डिज़ाइनिंग का है ना, आज मैं उनके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ और वो टिप्स मैंने अपने मोबाइल के ऊपर स्पेशली लिख लिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिन लोगों का चैनल, जो लोग पेंटिंग से रिलेवेंट काम कर रहे हैं या चैनल आर्ट का से रिलेवेंट काम कर रहे हैं और उन्होंने नया नया चैनल बनाया है, या फिर जिनका चैनल पुराना हो गया है लेकिन सब्सक्राइबर और व्यूज़ की प्रॉब्लम्स उनके साथ चल रही है, तो मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी वो ये टिप्स या ट्रिक्स देखने के बाद जो मिस्टेक वो अपने चैनल के हवाले से कर रही हूँ, तो हो सकता है मेरी चीज़ों को देखते हुए वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपने चैनल को। तो यहाँ पे जो चैनल आर्ट वाले हैं जो कि पेंटिंग से रिलेवेंट है, अगर मैं पेंटिंग को अपने माइंड के हिसाब से सोचूं तो पेंटिंग बेसिकली या चैनल आर्ट्स वगैरह का जो काम करते हैं, ये एक टेक्निकल काम है और इसके अंदर ना आप लोग कलर कम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं और अपने माइंड सेट से बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने माइंड के मुताबिक ही सोचा है कि जो आप अपना आपका जो YouTube पर चैनल है, उस चैनल के अंदर आपने जो आपका जो लोगो होगा और चैनल आर्ट होगा, लोगो और चैनल आर्ट, ये दो चीज़ें होती हैं, तो ये आपने कोई कलरफुल सा बनाना है, यूनिक सा बनाना है कि आपका जो चैनल का लोगो है वो आपने कुछ यूनिक सा अलग से करके दिखाना है। एक होता है ना सिंपल, अगर आप मेरा लोगो देखें तो मैं खुद सामने एक बैठा हूँ, नीचे अर्न विद फहद अली लिखा हुआ है, डैट्स इट। लेकिन क्योंकि आपका काम माइंड से खेलना है, पेंट से खेलना है, कलर से खेलना है, तो आपने जो लोगो बनाना है जो कि अट्रैक्टिव लोगो होना चाहिए, आई कैचर लोगो होना चाहिए, आपने वो लोगो बनाना है ताकि आपका जो चैनल है वो अट्रैक्टिव में अट्रैक्टिव करे यूज़र को और आपके चैनल के ऊपर वो आए। ये नंबर वन पॉइंट है मेरा। और सेकंड नंबर पे जो मेरा पॉइंट है फ्रेंड्स, वो ये है कि आप जो आपकी अंदर माइंड के अंदर क्रिएटिविटी है ना, आपने वो बाहर लेके आनी है। एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, आपसे कोई टॉपिक सिलेक्शन नहीं हो रही, आप सोच रहे हो कि यार मैंने चैनल तो बना लिया लेकिन अब मैं कौन सा टॉपिक बनाऊँ, किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊँ, तो उस माइंड सेट से निकलने के लिए ना एक बेहतरीन हल जो कि मैं खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ वो ये होता है कि आपने जो आपके कंपिटिटर है ना, जो आपके लेवल पे बैठे हैं, जो कि पेंटिंग से रिलेवेंट है, जो कि आर्ट्स वगैरह का काम कर रहे हैं, उनके चैनल को आपने सब्सक्राइब करना लाजमी है और उनका बेल आइकन भी आप प्रेस कर दें ताकि उनका जो भी कोई वीडियो अपलोड आए, जब वो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो आपने उनसे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करनी है। जहाँ जहाँ उसने जो जो मिस्टेक किए आपने वो अच्छा काम करके दिखाना है। एक टॉपिक को आप हज़ार दफ़ा बना सकते हो, यानी कि अगर मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ ना, यही कम्युनिकेशन, यही टिप्स कोई और यूट्यूबर वो भी बना सकता है, लेकिन वो अपने अंदाज में बनाएगा तो वो टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो वही चीज़ जब आप किसी और की देखोगे तो आपका माइंडसेट क्लियर होगा और जब अपने लिहाज से बनाना की कोशिश करोगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद थर्ड नंबर पर जो है, जो भी आपने वीडियोस अपलोड करनी है, मैंने जैसे कि अभी कहा, वो कुछ आपने ऐसे करना है कि कुछ नया करना है, कुछ नया करने की सोचनी है, क्योंकि आपका काम ऐसा, आपके पेंटिंग है, आपने माइंडसेट लाजमी इसको अपना गोल जो है वो लाजमी सेट करना है, फिर आपने वीडियो बनानी है। उसके बाद अगर मैं वीडियो से रिलेवेंट बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं सिर्फ एक चेयर के ऊपर बैठा हूँ, पीछे ये एक वॉल है, इस वॉल के ऊपर ये बेसिकली जो ब्राउन कलर की है ना, ये शीट लगी है, वॉलपेपर भी आप इसको कह सकते हो, और यहाँ पे भी शीट लगी है और ये कुछ लाइट्स वगैरह ऑफ की हुई है मैंने, डैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सामने कैमरा लगा हुआ है, एक लाइट इधर है, एक लाइट सामने है और एक लाइट टॉप पे है जो कि हेयर्स को कवर करती है। उसके बाद अगर
कुछ सामने से होती तो हो सकता है कि मेरी ये शर्ट वाली साइड को भी, वो गर्दन नेक वाली साइड को भी कवर करती। लेकिन आप अगर पेंटिंग से रेलिवेंट काम कर रहे हो, आर्ट से रेलिवेंट काम कर रहे हो, तो कोशिश करो जो आपका वॉलपेपर है वो आर्ट मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए। समझ आ रही होगी मेरा ख्याल आपको बात को। आप चाहे फेस कैम नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी टेबल के पे रहते हुए कोई कुछ चीज शूट कर रहे हो ना, तो टेबल को आपने इतना अच्छा बनाना है, इतना अच्छा बनाना है कि शायद किसी और ने ना बनाया हो। उसके बाद इवन के मैंने यहां तक देखा है कि लोग चैनल्स के ऊपर जाके, क्योंकि जिस टॉपिक के ऊपर मैं वह वीडियोस बनाता हूँ ना, पहले एक दफा सर्च कर लेता हूँ। मैंने पेंटिंग और आर्ट के ऊपर सर्च किया लेकिन किसी ने काम ही नहीं किया हुआ। इंडिया वालों ने, मैं क्या कहूँ, ऐसी ऐसी बोंगियां मारी है ना, मैं उनको क्या कुछ कह भी नहीं सकता। खैर, तो आपने क्या करना है, जो पेन होता है, पेन जो हम लोग पेन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके पास जो होता है वो जो जिससे आप राइटिंग करते हैं, आपने पेन को भी बड़ा अच्छा सजा लेना है। ठीक है, पेन के ऊपर कोई रेड टेप कर दें दोनों साइडों पे, सेंटर से आपने पकड़ना है तो पेन एक अच्छा लगेगा। तो आपने कोशिश करनी है हर चीज को लुक आफ्टर करके, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी आप उतना अच्छा वर्क कर सकते हो। अब आप किसी चीज की अगर ड्राइंग करने बैठ गए हो, ठीक है, ड्राइंग करने बैठ गए, तो ड्राइंग आपने उस टॉपिक पे करनी है जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम फहद अली है और मुझे कोई नहीं जानता। सही जो बात है, मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन अगर एक आमिर खान है, एक सलमान खान है, उनके से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम हुई है और इस टाइम सर्चिज में आ रही हैं, ट्रेंडिंग उनके टॉपिक्स चल रहे हैं, तो आज जब आप उनकी तस्वीरें, ट्रेंडिंग वालों की चीज़ें उठा के उसके ऊपर पेंटिंग बनाएंगे, उनके फेस की पेंटिंग बनाएंगे, तो वो लाख दर्जे बेहतर होगी। तो आपने वो वाला टॉपिक फाइनलाइज करना है जो कि ट्रेंडिंग पर चल रहा है, उस बंदे को उठाएं, उस बंदे की पेंटिंग बना दें। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल कैमरा कौन सा होना चाहिए। अब यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि आपके पास मोबाइल कैमरा कौन सा होता है। आप DSLR नहीं ले सकते, DSLR एक हाई रेजोल्यूशन हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने मैं ये नहीं कह सकता उस ब्रांड का मोबाइल ले लो, उस ब्रांड का मोबाइल ले लो। लोगों ने कहना यहाँ पे कमेंट्स में कि यार इस चैनल पे ये प्रमोट कर रहा है किसी स्पेसिफिक ब्रांड को, तो मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि आपने जो भी मोबाइल लेना है कम से कम आपके पास 4 GB उसकी रैम होनी चाहिए, मिनिमम आपको बता रहा हूँ, इससे नीचे आप ना जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के पास आगे जो मैं चीज़ बताने लगा उसके लिए रैम जरूरी है। तो 4 GB का रैम होना चाहिए, रोम बेशक कम हो। उसके बाद जो कैमरे की रेजुलेशन है, कैमरा 20 MP हो, कैमरा 108 MP हो, ये चीज़ नहीं देखनी आपने। आपने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि आपके कैमरे के अंदर वीडियो की क्वालिटी क्या है। आपने वीडियो की क्वालिटी जो है वो वाला कैमरा लेना है जहाँ पे 1920x1080 की रेजोल्यूशन जो मोबाइल सपोर्ट करता हो, तो आपने वो वाला कैमरा लेना है। तो आप वो वाला ले सकते हैं कैमरा। उसके बाद जब आप ये चीज़ ले लेते हैं तो आपकी एक अच्छी वीडियो निकल कर सामने आती है। उसके बाद आप एक बेबी लाइट ले सकते हो। बेबी लाइट जिसके पास नहीं है वो रिंग लाइट ले सकता है। रिंग लाइट नहीं है तो वो फिर अपने घर की जो लाइट्स होती हैं LED बल्ब 400 वाट 500 वाट का लगाएं, ताकि उसकी जो पावर है वो ज़्यादा है। और अगर आप फेस कैम कह रहे हैं तब भी आपका फेस प्रोमिनेंट हो। तो जब आप किसी टेबल को कवर कर रहे हैं, टेबल पर रहते हुए कुछ काम कर रहे हैं, पेंट बना के दिखा रहे हैं, ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, तो वो भी अच्छे से रेजोल्यूशन उसके ऊपर हाई क्वालिटी की पड़े। और जब आपने रेंडिंग करनी है तो सॉफ्टवेयर, अगर आप की मैं बात करूं आपसे, तो आप मोबाइल पे ये काम ना करिएगा। एडिटिंग पिक्चर की या वीडियो की आपने कैमटासिया सॉफ्टवेयर है वो आपने अपने पास रख लीजिएगा, और कैमटासिया स्टूडियो जो है वो आपने उसके ऊपर काम करना है, बहुत इजी टूल है। अब कैमटासिया की भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं लर्निंग के हवाले से। आप सर्च कर सकते हो कैमटासिया स्टूडियो ट्रेनिंग बाय अर्न विद फहद अली, ठीक है, तो मेरी वीडियोस आ जाएंगी। उसके बाद तस्वीर यानी कि थंबनेल जो आपने बनानी है, थंबनेल आपने कुछ इस तरीके से बनानी है, अडोब फोटोशॉप इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपका, अगर आप नए चैनल को स्टार्ट लेके चल रहे हो, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने एक थीम लेके चलना है। यानी कि अगर आपकी वाइट बैकग्राउंड है तो ब्लैक, मतलब थंबनेल बनाते कैसे हैं, इसकी भी मेरी वीडियोस बनी है, हाउ टू मेक बेस्ट थंबनेल बाय अनवर फहद अली, आप लिख सकते हो, वीडियो आपके पास आ जाएगी। कौन से सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं, मोबाइल अगर है मोबाइल पे कैसे बनती है,
सब कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पे अब आपका सब्सक्राइब करना बनता है। गर्मी में पसीने में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, और भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस आएंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाया करेगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो अनवीर फहद अली हमारा पेज है, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेरे ग्रुप में आना चाहते हैं तो अनवीर फहद अली यूट्यूब फैमिली के नाम से फेसबुक पर ग्रुप है, आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।